फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। कभी नक्सली मोमेंट का हिस्सा रहे मिथुन कैसे हिंदी सिनेमा का डांसिंग स्टार बन गए, आज मिथुन की जिंदगी का ये पहलू आपसे शेयर करूंगा। 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके मिथुन चक्रवर्ती तब गौरांग चक्रवर्ती कहलाते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद मिथुन उस समय चल रहे कई आंदोलनों का हिस्सा रहे थे, पर भाई की अचानक मौत ने मिथुन की जिंदगी बदल कर रख दी। मिथुन कलकत्ता से मुंबई आ गए। यहाँ उन्होंने पुणे फिल्म संस्थान से अभिनय की डिग्री हासिल की और बाहर निकलते ही मिथुन को मृगया फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। 1976 में रिलीज हुई मृगया फिल्म जबरदस्त हिट रही और अपनी पहली फिल्म के लिए मिथुन ने बेहतरीन अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया। मैंने ऐसे जानवर को मारा है बड़ा राजा बाबू। वो जानवर जिसको मैंने मारा। कौन सा जानवर? जो हमारे गांव का सबसे खतरनाक खूनखार जानवर है। और तूने मुझे यहाँ लाया बड़ा राजा बाबू। मिथुन को तब लगा कि उनकी राह आसान हो गई है, पर ऐसा नहीं था। असल संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। मृगया के हिट होने के बाद भी मिथुन काम के लिए संघर्ष कर रहे थे। डांस के प्रति जुनून को देखते हुए मिथुन ने उस समय की डांसिंग सनसनी हेलन के असिस्टेंट के तौर पर दूसरे नाम राणा रेस के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। और इस बीच अमिताभ बच्चन की फिल्म दो अनजाने में मिथुन दा ने एक छोटा सा रोल भी किया और इस तरह के कई रोल्स ने मिथुन के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया। 1978 में मिथुन चक्रवर्ती की रिलीज फिल्म मेरा रक्षक हिट रही, पर पहचान कुछ हद तक बनी 1979 की सुरक्षा से। सुरक्षा फिल्म के हिट होने के बाद मिथुन के अभिनय का सिक्का चल गया। 1982 तक मिथुन दादा ने कई जनों की फिल्में करी, पर जब डिस्को डांसर 1982 में रिलीज हुई तो मिथुन चक्रवर्ती बन गए स्टार। और रही सही कसर पूरी कर दी प्यार झुकता नहीं फिल्म की कामयाबी ने। हिंदी सिनेमा के ऐसे ही किस्से जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।